चार, एक थैले में चार लाल और चार काली गेंदे हैं और एक अन्य थैले में दो लाल और छह काली गेंदे हैं। इन दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? यहां पहले थैले में, यह हमारा फर्स्ट थैला है, उसमें चार तो लाल हैं, चार रेड लिख ली हमने, और चार काली है, चार ब्लैक। दूसरा थैला है, दूसरे थैले में दो तो लाल हैं, दो रेड हैं और छह काली, छह ब्लैक हैं। अब दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। तो यदि पहला थैला चुन लिया तो दूसरा नहीं हो सकता, और दूसरा यदि हमने चुन लिया तो पहला नहीं हो सकता। परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इनको हमें E1 और E2 लेना है। दोनों परस्पर अपवर्जी असंयुक्त घटनाओं को हमें E1 और E2 घटनाएं लेना होता है। तो घटना E1 बराबर, हमने मान लिया फर्स्ट थैले को चुना जाना, और घटना E2 हमने मान लिया सेकंड थैले का चुना जाना। दोनों में से कोई सा भी चुना जा सकता है, दोनों की प्रायिकताएं समान हैं, अर्थात यहां प्रायिकता E1 की चुने जाने की और प्रायिकता E2 के चुने जाने की, दोनों की प्रायिकताएं बराबर है, दोनों प्रायिकताएं 1/2 हैं। अब एक गेंद उनमें से निकालने पर हम पाते हैं कि वो गेंद लाल रंग की है। यदि पहला थैला है और उसमें से हमने लाल गेंद निकाली तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/8। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? प्रायिकता P, जबकि ए ए हम घटना क्या ले रहे हैं? घटना ए बराबर निकाली गई गेंद का लाल होना, ये हमने घटना ए को माना है। तो PA/E1 से अभिप्राय क्या होगा? थैला तो है पहला और गेंद जो उसमें से निकाली वो लाल रंग की गेंद है, तो PA/E1 हो गया 4/8। PA/E2 ये क्या होगा? थैला तो है दूसरा और गेंद उसमें से निकली जो कि लाल रंग की है, ये प्रायिकता हो गई 2/6+2 अर्थात 2/8, ये हो गई। अब हम बेस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो बेस प्रमेय द्वारा हमें यहां क्या ज्ञात करना है? P, निकाली गई गेंद तो है लाल जबकि थैला पहला है, अर्थात हमें PE1/A ज्ञात करना है। लाल तो गेंद निकाल ली, ये तो ज्ञात है, और E1 की प्रायिकता अर्थात वो थैला पहला है। तो ये किसके बराबर हो गया? बेस प्रमेय द्वारा PE1 × PA/E1 / PE1 × PA/E1 + PE2 × PA/E2। मान रख दें 1/2 × प्रायिकता 4/8 अपॉन 1/2 × 4/8 प्लस 1/2 × 2/8। 1/2 यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां हर में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं। मान के आ गया 4/8 × 4/8 + 2/8। मान कितना हो गया? 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां लघुत्तम लेके मान आ गया 4/4 + 2, 4/6। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 यहां आ जाएगा 3,
मान आ गया 2/3, तो इसलिए अभिष्ट प्रायिकता 2/3 है। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता हमारी क्या है, जबकि निकाली गई गेंद तो लाल है और थैला पहला है, यह हमारी अभिष्ट प्रायिकता है, वो 2/3 के बराबर है।